हाई इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस अपडेट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट दीपक नाइट्राइट एंड दीपक नाइट्राइट के जो Q2 FY23 के रिजल्ट्स हैं हम उसका एनालिसिस भी करेंगे साथ साथ। तो दीपक नाइट्राइट की इस चैनल पे जब ओरिजिनली वीडियो बनी थी तो डेट वॉज वे बैक इन 2020 दिसंबर में। आई थिंक तब उस टाइम पे मार्केट कैप कुछ 8 to 9,000 करोड़ के आसपास होता था। बट दीपक नाइट्राइट की वीडियो में हमने आपके साथ एंटी थीसिस पॉइंटर्स, थीसिस पॉइंटर्स और उस टाइम पे फिनॉल की स्प्रेड्स बहुत कम थी, तो हमने आपके साथ वो भी डिस्कशन करा था। तो आज हम डिस्कशन करते हैं कि आज का बिजनेस सिनेरियो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, आज के यहां पे बिजनेस में प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं Q2 FY23 का रिजल्ट्स देख के। तो पहले तो दीपक नाइट्राइट का सिंपली एक बिजनेस समझते हैं कि दीपक नाइट्राइट के बिजनेस में आज 2 बिजनेस डिविजन हैं। कौन सी 2 बिजनेस डिविजन हैं? एक तो है एडवांस इंटरमीडिएट का बिजनेस और एक है फिनोलिक्स का बिजनेस जो उनकी सब्सिडियरी के अंदर है होली ओन। तो जो एडवांस इंटरमीडिएट का बिजनेस है उसके अंदर इनके 3 बिजनेस सेगमेंट आते हैं। एक तो आपका बिजनेस सेगमेंट आता है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का, जिसमें दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक डैश डाई एंड OBA, बेसिकली ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स आपके टेक्सटाइल और आपके पेपर के अंदर यूज होते हैं। तो ये बहुत डीपली साइक्लिकल बिजनेस है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स का, क्योंकि 2020 में इसका EBITDA मार्जिन 54% हो गया था, उसके बाद 1% हुआ, फिर नेगेटिव भी हो गया। तो दिस इज अ डीपली साइक्लिकल एलिमेंट। फिर एक बेसिक इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है जिनके एडवांस इंटरमीडिएट्स का पार्ट है। इसमें कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं? तो दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक सोडियम नाइट्रेट, जिसके अंदर ये इंडिया के मार्केट लीडर्स हैं। एंड यहां पे इनका बेसिक इंटरमीडिएट्स का एक टाइम पे मार्जिन 20-24% चला गया था बिफोर दे स्टॉप गिविंग द डेटा। थर्ड इनका फाइनेंस स्पेशलिटी का बिजनेस है, विच इज अगेन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम बेसिक इंटरमीडिएट्स। तो बेसिक इंटरमीडिएट्स के आप रॉ मटेरियल यूज करके एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बना रहे हो, और यहां पे इनका एक टाइम पे मार्जिन 30-34% पे चला गया था। जो आप अगर आप पूरे बेसिस का कंसोलिडेटेड मार्जिन देखते हैं एडवांस इंटरमीडिएट्स का, देन यू विल गेट एन आइडिया कि एडवांस इंटरमीडिएट्स का इस टाइम पे मार्जिन 20% के आसपास आ गया। एंड अगर आप एडवांस इंटरमीडिएट्स का बिजनेस देखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं इनका बेस बिजनेस है। बेस बिजनेस का क्या मतलब? माने फिनोलिक्स के बिजनेस से पहले यही बिजनेस था इस कंपनी में। तो 2011 से लेके 2017 तक ये बिजनेस डबल हुआ, तो मोटा मोटा 2017-2018 में डबल हुआ टॉप लाइन में, तो मोटा मोटा 10-12% केगर पे ग्रोथ आई। फिर 2017-18 से लेके 2022 तक ये बिजनेस अगेन डबल हो गया। एंड नाउ द गाइडेंस इज कि ये जो बिजनेस है अगेन, क्योंकि एक दीपक केमटेक करके इन्होंने सब्सिडियरी लगाई है तो उसके अंदर भी बहुत प्रोडक्ट्स आएंगे। बट अगर आप बेस बिजनेस में दीपक केमटेक को भी देखते हैं तो बेस बिजनेस द मैनेजमेंट जो उनकी कॉन कॉल में था, दे थिंक इट कैन डबल इन नेक्स्ट 3 to 4 years एज वेल, जो आप यहां पे ऐसे पढ़ भी सकते हैं। एंड यहां पे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी द मैनेजमेंट क्लेम्स कैन हैपन, बिकॉज यहां पे क्या है कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बट ये तो हमने बेसिक इंटरमीडिएट्स या जो एडवांस इंटरमीडिएट्स का बिजनेस था इसकी बात करें। एडवांस इंटरमीडिएट्स के बिजनेस में इनका एक प्लांट है इन नंदेसरी। तो नंदेसरी वाला जो प्लांट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा फायर का इंसिडेंट हुआ था इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लॉस्ट 1 month ऑफ प्रोडक्शन इन दिस क्वार्टर। तो 1 month का प्रोडक्शन भी इस क्वार्टर के अंदर कम हो गया, ड्यू टू विच देर वॉज अ 15% वॉल्यूम हिट इन द एडवांस इंटरमीडिएट बिजनेस। तो इनका 15% से वॉल्यूम भी इस बिजनेस के अंदर कम आया था। तो एडवांस इंटरमीडिएट वाले बिजनेस में तो ये हेडविंड्स थी इस क्वार्टर में। फिर यहां पे एडवांस इंटरमीडिएट के बिजनेस में एक और ये क्या चीज कर रहे हैं, तो इन्होंने ओमान के अंदर ऑलमोस्ट 51% की एक सब्सिडियरी अक्वायर करी है, एंड ओमान के अंदर दे आर ऑल्सो सेटिंग अप अ सोडियम नाइट्रेट प्लांट। तो अगर आप ओमान की सब्सिडियरी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो यहां पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने ओमान के अंदर, दैट इज ऑफ $14.4 million, दैट इज ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज टू लाइक ऑलमोस्ट समवेयर क्लोज टू 120 crores के आसपास। तो 50% स्टेक अक्वायर करे DOIL के अंदर, एंड दिस सब्सिडियरी इज प्योरली मेंट फॉर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हो गया और आपका सोडियम नाइट्राइट हो गया, इन दोनों प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिकॉज वहां पे आपका जो रॉ मटेरियल है ओमान जैसी जगह में तो आराम से मिल जाता है। सो दिस इज द प्लान ऑफ एडवांस इंटरमीडिएट डिवीजन, दैट इज डबलिंग द बिजनेस इन नेक्स्ट 3 to 4 years, मार्जिन्स को इम्प्रूव करने का प्लान है, एंड ओमान में ये जो इन्वेस्टमेंट करिए। फिर यहाँ पे एक इनका जो दूसरा बिजनेस है दैट इज ऑफ दीपक फिनोलिक्स। तो दीपक फिनोलिक्स क्या करता है, ये फिनॉल बनाता है। तो फिनॉल इज अ बल्क केमिकल, इट्स अ बल्क कमोडिटी केमिकल। फिनॉल को आप कमोडिटी केमिकल ही बोलोगे, फिनॉल इज नॉट अ स्पेशलिटी केमिकल बाय एनी मीन्स ऑफ इमेजिनेशन, एक्सेप्ट दिस। तो दीपक फिनोलिक्स का जो बिजनेस है जहां पे फिनॉल इस टाइम पे बना रहे हैं, तो फिनॉल एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत जगह यूज होती है। तो फिनॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड्स के अलावा आपके एगकेम, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेगमेंट में फिनॉलिक्स का यूसेज है, फिनॉल का यूसेज है। जब इनका ये प्लांट 2019-2018 के अंदर कमर्शलाइज हुआ था, तब उस टाइम पे इंडिया की जो फिनॉल की डिमांड थी दैट वाज क्लोज टू 250,000 टन पर एनम।
तो इनका ये जो प्लांट कमर्शलाइज हुआ था, इनका प्लांट ही ऑलमोस्ट 2,40,000 to 2,50,000 टन पर एनम का था। तो इन्होंने ऑलमोस्ट काफी सारे इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया। तो जैसा कि आप यहाँ डेटा में देख सकते हैं कि इंडिया की फिनॉल मार्केट इज एक्चुअली ग्रोइंग बिकॉज इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है मोर देन 100% पे चल रही है। पर अगर आप फिनॉल का इंपोर्ट देखते हैं तो 2019 में 2,26,000 टन का था, FY18 में 2,85,000 टन का था, बट FY20 में सिर्फ 1,39,000 टन का इंपोर्ट रह गया फिनॉल का। बट अब वापस फिनॉल का इंपोर्ट 2,04,000 टन के आसपास आ गया। सो बेसिकली जो 2,04,000 टन का अब इंपोर्ट हो रहा है फिनॉल का, दैट इज बिकॉज की मार्केट के अंदर भी ग्रोथ हो गई है और इनका भी फिनॉल का जो कैपेसिटी है दैट इज ऑपरेटिंग एट फुल यूटिलाइजेशन, जो 2,50,000 टन का है। तो ऑलमोस्ट अ फिनॉल की मार्केट जब इन्होंने लगाया था तब 2,50,000 टन की थी FY16 FY15 में जब प्लान आया था, बट आज जो फिनॉल की मार्केट ही इंडिया में 4,50,000 टन की हो गई है। तो द क्लेम दैट द फिनॉल ग्रोज अलॉन्ग विद GDP कंजम्पशन, दैट क्लेम सीम्स टू बी ट्रू बिकॉज इंपोर्ट भी आपका बढ़ते जा रहा है उसका। तो नाउ दिस इज वाई इस टाइम पे दीपक नाइट्राइट फिनॉलिक्स वाले बिजनेस में एक डी बॉटलनेकिंग कर रही है। तो 2,50,000 टन से इनकी फिनॉलिक्स के अंदर जो कैपेसिटी है वो 3,00,000 टन की चली जाएगी। फिनॉल के बिजनेस के हम डिसएडवांटेज भी देखेंगे और एडवांटेजेस भी देखेंगे। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस में अगर आप देखते हैं तो फिनॉलिक्स के बिजनेस में अगर आप वैल्यू चेन देखते हैं तो वैल्यू चेन में आपको पता लगेगा कि फिनॉल इज मेड थ्रू बेंजीन एंड प्रोपिलीन, जिससे क्यूमीन बनता है, फिर क्यूमीन से आपका फिनॉल बनता है और फिनॉल का एक बाय प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नोन एज एसीटोन। एंड फिनॉल से अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो फिनॉल एक रेजिन्स बनते हैं, एंड फिनॉल एक रेजिन्स के अलावा यहाँ पे एक बायस फिनॉल ए करके एक प्रोडक्ट बनता है जिससे इपॉक्सी रेजिन्स और पॉलीकार्बोनेट बनता है। एंड साथ साथ इसमें अदर सॉल्वेंट्स भी बनते हैं विच आर बेसिकली लाइक अदर सॉल्वेंट्स में आपके क्या आएंगे फिनॉलिक्स के, दैट इज MIBK, MIBC, दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द सॉल्वेंट्स विच गेट मेड। तो इस टाइम पे एडवांटेज के दीपक नाइट्राइट पास कि कंट्री में देयर इज ओनली वन प्लांट ऑफ फिनॉल विच इज विद दीपक नाइट्राइट एंड उसको भी ये डी बॉटलनेक करके 3,00,000 टन ऑफ कैपेसिटी भी लेके जा रहे हैं। दूसरी एडवांटेज क्या है, अगर आप इनके कैपेक्स प्लान्स पढ़ते हैं तो MIBC और MIBK ऐसे दो सॉल्वेंट्स हैं जो आपके बेसिकली पेंट्स इंडस्ट्री में और साथ साथ फार्मा में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे MIBK और MIBC की भी ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके डाउनवर्ड डेरिवेटिव्स के अंदर जा रहे हैं। फिर यहाँ पे एक और क्या ऑप्शनैलिटी है कि ये पॉलीकार्बोनेट का भी यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं, एंड पॉलीकार्बोनेट इज समथिंग दैट इज मेड आउट ऑफ बायस फिनॉल। तो इनसे कॉन्कॉल में किसी ने पूछा भी था, जैसे आप ये स्निपेट में देख सकते हैं कि QIP का अप्रूवल ले तो लिया है और QIP का अप्रूवल फरवरी तक वैलिड है, तो 2,000 crore की QIP का अप्रूवल ले रखा है इस टाइम पे। बट दैट QIP अप्रूवल इज मेंट फॉर अदर कैपेक्सेस एंड इट इज ऑल्सो मेंट फॉर बेसिकली अगर इनका पॉलीकार्बोनेट का प्लान पूरा हो जाता है बिजनेस, तो पॉलीकार्बोनेट का बिजनेस प्लान कैन ऑल्सो कम इन टू द पब्लिक, जो ये कॉन्कॉल के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये है कि फिनॉल में आप पूरा डाउनस्ट्रीम बेसिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर बनना चाहते हैं। पर इस क्वार्टर में क्या हुआ कि फिनॉल के अगर आप मार्जिन देखते हैं दीपक फिनॉलिक्स के, तो फिनॉल के जो मार्जिन हैं दैट हैव बेसिकली करेक्टेड एंड मार्जिन इनके एक टाइम पे जो 16-17% थे या 18% थे, आज इनके मार्जिन 8% के आसपास आ गए। तो मार्जिन में बहुत ज़्यादा सिवियर करेक्शन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? सिंपल रीजन कि फिनॉल बनता है बेंजीन से एंड साथ साथ जो फिनॉल है बेसिकली जो बेंजीन और प्रोपिलीन से क्यूमीन बनता है फिर उससे फिनॉल बनता है, तो इनके बीच का जो स्प्रेड्स होता है उस पर आपके मार्जिन बहुत डिपेंड करते हैं। तो इस बार इस क्वार्टर में क्या हुआ कि बेंजीन के प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर चले गए क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स में यूरोप के अंदर क्रूड ऑयल वॉज बींग बर्नड फॉर जनरेटिंग हीट, राइट? बट क्रूड ऑयल जनरेट कर रहा था हीट के लिए तो पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे लाइक बेंजीन, एंड फिनॉल की एंड डिमांड काफी कम हो गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस वजह से फिनॉल के प्राइसेस थोड़े नीचे चले गए एंड बेंजीन के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। तो उनके बीच का जो आप समझ सकते हैं कि जो स्प्रेड था दैट बेसिकली नेगेटिवली अफेक्टेड देम, दिस इज व्हाट एंडेड अप हैपनिंग। बट अगर आप वापस डेटा के अंदर देखते हैं तो बेंजीन के जो प्राइसेस हैं, बेंजीन के प्राइसेस हैव अगेन बेसिकली करेक्टेड। तो अगर आप बेंजीन के प्राइसेस देखते हैं तो बेंजीन के प्राइसेस हैव अगेन करेक्टेड। एंड यहाँ ये कॉनकॉल में भी बता दें कि BPCL ने बेंजीन के प्लांट का शटडाउन करा था, तो अक्टूबर में भी शटडाउन है, विच इज ऑल्सो वॉट लेड टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड कोल के प्राइसेस भी काफी बढ़ गए थे, बट बेंजीन के प्राइसेस आप देख सकते हैं वापस इस टाइम पे करेक्ट हो रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द एंटीथीसिस पॉइंटर्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये वॉलेटाइल बिजनेस ही रहेगा क्योंकि फिनॉल एट द एंड ऑफ द डे इज अ कमोडिटी एंड इट्स अ कमोडिटी विच विल ऑल्सो हैव इट्स साइकल्स। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स होंगी तो इनके मार्जिन में वाइल्ड स्विंग्स भी आएंगी, जो इस क्वार्टर में आई कि 8% का ईबिटा मार्जिन आपका जो ईबिट मार्जिन आपके फिनॉल बिजनेस के अंदर रह गया बिकॉज बेंजीन के प्राइसेस ऊपर चले गए और फिनॉल के प्राइसेस नीचे चले गए। बट अब वापस बेंजीन के प्राइसेस नीचे आ गए एंड फिनॉल के जो प्राइसेस हैं वापस वहां पे ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट टाइप है, -1-2% गिरे, बट बेंजीन के प्राइसेस काफी तेजी से वापस इस टाइम पे नीचे गिर गए। ऑल्सो वन थिंग कि इस क्वार्टर में इनके फिनॉल बिजनेस में ऑलमोस्ट 10% की वॉल्यूम ग्रोथ थी,
विच इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन स्पाइट ऑफ वेरी हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिर भी आपकी 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आती है। अगर हम इनके डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव है MIBK और MIBC, तो MIBK का जो इम्पोर्ट है इंडिया में इस टाइम पे 317,198 टन का है। तो अगर आप यहाँ पे आप MIBK का इम्पोर्ट देख सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप इम्पोर्ट ऑफ पॉलीकार्बोनेट देखते हैं तो पॉलीकार्बोनेट का इम्पोर्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 212,000 टन के आसपास का है। तो डेट इज द इम्पोर्ट ऑफ पॉलीकार्बोनेट और पर टन आप प्राइस भी देख सकते हैं 3,000 टन का है और MIBK का पर टन प्राइस 2,268 टन के आसपास का है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि MIBK और MIBC के प्राइसेस देखते हैं तो MIBK के जो प्राइसेस हैं अगेन दोज आर अ बिट वॉलेटाइल और MIBK के भी जो प्राइसिंग है दैट इज ऑल्सो वॉलेटाइल इट्स जस्ट लाइक फिनॉल क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फिनॉल के डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स ही हैं। सो दिस इज व्हाट द MD हैड टू से दैट इन नॉर्मल सिचुएशन MIBK एंड MIBC का जो EBITDA मार्जिन्स है वो 20-22% के आसपास होना चाहिए whereas फिनॉल का जो EBITDA मार्जिन है दैट शुड बी क्लोज टू 16-18% ऑड EBITDA मार्जिन राइट। तो इनके हिसाब से लाइक कंपनी के हिसाब से फिनॉल का नॉर्मलाइज EBITDA मार्जिन शुड बी 16% जो अगर अप साइकिल आती है तो 20% के पार भी चले जाते हैं जैसे 24-25% चला गया था और डाउन साइकिल में बिलो 16% भी चले जाते हैं। तो ये एक एंटी थीसिस पॉइंटर भी और थीसिस पॉइंटर भी है बिकॉज इस बिजनेस की अपनी साइकिल जरूर होगी। अ स्मार्ट स्टॉक पिकर विल अंडरस्टैंड दी साइकिल्स ऑफ दिस बिजनेस। दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टुडे कि आप ये साइकिल्स इस बिजनेस की समझ पाएं कि व्हेनेवर द मार्जिंस गो बिलो 16% इन द फिनॉल बिजनेस अगर वो 8% या 4% या 3% है दैट इज व्हेन द डाउन साइकिल इज कमिंग। व्हेन द मार्जिंस गो अबाउट 25-26% तो माने फिनॉल के बिजनेस के अंदर अप साइकिल आ चुकी है। पर MIBK और MIBC से और पॉलीकार्बोनेट का अगर प्लांट आता है तो आइडली द मार्जिन शुड इंच अप हायर एंड अगर MIBK और MIBC के आप कंबाइंड सेल्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर टन जो रियलाइजेशन हो सकती है तो यहां से लगभग 500 से 550 करोड़ की सेल आ सकती है और अगर 20-22% EBITDA मार्जिन आता है तो 100-120 करोड़ का EBITDA MIBK और MIBC के बिजनेस से बन सकता है विच यू हैव टू थिंक कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में कितना वैल्यूएबल है। तो अब इनके केपेक्स प्लान्स की बात करते हैं कि क्या क्या केपेक्स प्लान्स हैं। तो पहला इनका जो केपेक्स प्लान देखते हैं 1500 करोड़ का जो है दैट इज ओवर नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। इसमें एक तो फिनॉलिक्स की डी बॉटलनेकिंग हो रही है कैपेसिटी की दीपक मतलब फिनॉल की 20% से। फिर MIBK और MIBC का 40,000 टन और 8,000 टन का प्लांट आ रहा है। फिर थ्री न्यू प्लांट्स आर गोइंग लाइफ। एक तो ग्रीन केमिकल है विच हैज रिप्लेस्ड हजार्डियस केमिकल विच वॉज बैंड इन यूरोप। फिर वन एक इनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है एग्रोकेमिकल में विच इज गोइंग लाइफ एंड इनका फाइनली एक फोटोक्लोरिनेशन का प्लांट है दैट इज ऑफ 300 करोड़ दैट इज ऑल्सो गोइंग लाइफ। तो फोटोक्लोरिनेशन एंड फ्लोरिनेशन आर टू केमिस्ट्रीज विच आर केमिस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। बट यहां पे भी इनका एक 300 करोड़ का कैपेक्स है फोटोक्लोरिनेशन के प्लांट में दैट इज गोइंग टू गो लाइफ। आई थिंक इट गोज लाइफ बाय Q4 ऑफ FY23 और Q1 ऑफ FY24 एंड दिस प्लांट कैन ऑल्सो जनरेट लाइक 400-450 करोड़ ऑफ सेल्स एंड आइडियली मार्जिन शुड बी हायर बिकॉज इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि जो बेस स्टैंड अलोन बिजनेस है जिसमें दीपक केमटेक और दीपक नाइट्राइट का स्टैंड अलोन बिजनेस है उसमें मार्जिन्स में क्या ग्रोथ आ सकती है और उसमें सेल्स की ग्रोथ क्या आ सकती है। फाइनल यहां पे जो केपेक्स का इस टाइम पे ट्रिगर दिख रहा है दैट पॉसिबल फोरे इनटू पॉलीकार्बोनेट वाया बायोफिनॉल। तो पॉलीकार्बोनेट आर हार्डन्ड प्लास्टिक्स विच आर यूज्ड इन अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो आप सिर्फ पॉलीकार्बोनेट को गूगल पे सर्च कीजिए तो पॉलीकार्बोनेट के पॉसिबल फोरे के अंदर ये बिजनेस जा सकते हैं। तो ये तो दीपक नाइट्राइट के बेसिकली नंबर्स से थीसिस से एंटी थीसिस थी। रिस्क फैक्टर्स क्या है बिजनेस में कि फिनॉलिक्स बिजनेस की अपनी ही साइकिल्स होंगी एंड आई थिंक डाउन साइकिल इज व्हेन द मार्जिन्स गो बिलो 12-13%। तो आपको वो डाउन साइकिल में देखना पड़ेगा कि आप डाउन साइकिल में स्टॉक को क्या वैल्यूएशन मिलते हैं क्योंकि अगर आप SOTP करेंगे इस बिजनेस का तो फिनॉल वाले बिजनेस को आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस बिजनेस को 10-15 पी से ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी और स्टैंड अलोन बिजनेस जिसमें स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस भी है तो उसको एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स कितनी मिल रही है। आप लोग भी ये SOTP करके सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन जिसमें फिनॉलिक्स का बिजनेस है और जिसमें स्टैंड अलोन केमिकल्स का बिजनेस है मेरे को एक बार करके आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड साथ साथ ऑल्सो लेट मी नो कि इस बिजनेस अपडेट सीरीज में आपको क्या एक अच्छे से आइडिया लगता है या नहीं लगता कि कंपनी में ट्रिगर्स क्या और कंपनी में रिस्क फैक्टर्स क्या। एंड अब हम फाइनली इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं विच बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर लुकिंग एट बिजनेसेस। तो अगर आप दीपक नाइट्राइट की इस बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो कैश फ्लो फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 20 FY23 इज क्लोज टू 437 करोड़ वेयर कैश फ्लो फॉर FY22 फर्स्ट हाफ में 575 करोड़ का था।
तो कैश फ्लो के अंदर डी ग्रोथ है बिकॉज इनका जो ईबिटा है ईबिटा के अंदर ही डी ग्रोथ है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स में, क्योंकि फिनॉल की अगेन जो रियलाइजेशन है वो कम हो गई है। तो अगेन मोटा मोटा जो ईबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्जन है या फिर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कैश फ्लो कन्वर्जन है दैट इज स्टिल क्लोज टू 50-55% के बीच में। सो अगेन दैट इज नॉट टू बैड, बट कैश फ्लो की डी ग्रोथ इसलिए क्योंकि बेस बिजनेस का जो ईबिटा है या बिजनेस का ईबिटा उसके अंदर डी ग्रोथ आई। एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप जहां पे हम आपको ये सिखाते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली स्टॉक कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस एनालिसिस खुद कर सकते हैं, अकाउंटिंग की आप लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, वैल्यूएशन की आप कैसे वेबिनार कर सकते हैं, इन साथ साथ हाउ यू कैन इंडिपेंडेंटली लर्न हाउ टू रीड डिफरेंट सेक्टर्स, सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन द एसओआईसी मेंबरशिप एंड लिंक टू एसओआईसी मेंबरशिप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगला ऐसा बिजनेस अपडेट हमें कौन से बिजनेस के ऊपर करना चाहिए। जय हिंद।